दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन से हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, या फिर उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या कमी है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो UGC और DEB दोनों से अप्रूव्ड है और एक अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। वैसे तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जहाँ से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक साथ सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। और आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को सन 2008 में सबसे पहले UGC का अप्रूवल मिला था, तब इसने रेगुलर मोड पर अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। अप्रूवल मिलने के एक साल बाद यूनिवर्सिटी ने UGC के साथ साथ DEC डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से भी अप्रूवल ले लिया था। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से अप्रूवल के साथ यूनिवर्सिटी को 28 कोर्सेज के लिए मान्यता मिली थी, यानी कि तब यूनिवर्सिटी 28 कोर्सेज को डिस्टेंस मोड में रन कर सकती थी। फिर अभी जो आपको करंट सिचुएशन अगर मैं बताता हूँ, तो यूनिवर्सिटी को UGC के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, एक्चुअली जब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था उसकी मान्यता इग्नू से मिलती थी, बट उसको 2014 के बाद रद्द कर दिया गया और उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में तब्दील कर दिया गया। फिर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से जब यूनिवर्सिटी ने वर्क करना शुरू किया, तो तब यूनिवर्सिटी को 22 कोर्सेज के लिए मान्यता प्राप्त हुई थी, और अभी तक यानी कि 2020 तक भी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूवल मिला हुआ है 22 कोर्सेज के लिए। फिर बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज़ है, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से लेकर UG कोर्सेज, PG कोर्सेज, MBA, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप उनकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज की लिस्ट डाल दूंगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। एंड जब कोर्सेज की बात हो जाती है, फिर एडमिशन प्रोसेस की, एडमिशन आप कैसे यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस एजुकेशन की साइट पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, मगर उसमें फिर आपको क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक सेंटर अलॉट करेगी जहाँ पर आपको एडमिशन एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी, आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी होगी हमेशा, कि अगर कोई भी सेंटर अगर आपको बोलता है जो कि UP का नहीं है, तो वो किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए या फिर वहाँ के एग्ज़ाम के लिए वो वहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सब UGC की कंडीशंस हैं कि कोई भी सेंटर अगर UP से बाहर का है, कोई भी यूनिवर्सिटी मान के चलते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है जो कि अगर मध्य प्रदेश की है, तो उसका जो भी रीजनल सेंटर होगा, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जहां पर एडमिशन होगा, वो मध्य प्रदेश में ही होना कंपलसरी माना जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी कैंप सेंटर आपको बोलता है कि हम यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हैं, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फिर बात करते हैं कि आपका कोर्सेज हो चुके हैं, एडमिशन आपका कैसे होगा, एग्ज़ाम मोड इसका कैसे रहता है। एग्ज़ाम के लिए आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है ईयरली मोड पे रहता है, सेमेस्टर मोड पर यह यूनिवर्सिटी अभी तक इसका नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी 2020 तक, करंट ईयर तक अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि हाँ इसका सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम रहता है। अब अगर कोई एडमिशन आप ले लेते हो तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको बात बताना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट है वो है subharti.dde.com, जहाँ पर जब भी कोई एनरोल करता है स्टूडेंट, तो एनरोल करने के 15 से 20 दिन बाद उनको एक एनरोल नंबर यूनिवर्सिटी अलॉट कर देती है। जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेते हैं, एनरोल करने के बाद आपके पास एक एनरोल नंबर आ जाता है, और एनरोल नंबर के साथ साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन में अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपका एक आई कार्ड बन जाता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी आपको बुक्स भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल भी यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही दिया जाता है। फिर बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट इसका जो होता है कि इसका जून में और दिसंबर में हर साल एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली मोड पर एग्ज़ाम होते हैं। तो जब आप कोई भी, अगर जून में आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट है सितंबर तक आ जाता है, अगर आपने दिसंबर में दिया है तो उसका रिज़ल्ट मार्च तक आ जाता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि कई बार वो डिले हो जाता है, तो इसकी
कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मार्कशीट इसकी टाइम पर आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने के बाद मार्कशीट भी आ जाती है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन से लेकर कि क्या कोर्सेज है, क्या उसकी मान्यता प्राप्त है और किस मोड पर यूनिवर्सिटी काम करती है। लेकिन अभी भी अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेशन में जाकर उसका कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप सुभारती यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं जो डिस्टेंस मोड पर काम करती है, कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है, या उसमें से आपको अगर करते हैं तो उसके आगे जाकर आपको क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं, तो वो भी डिटेल में आपको उसमें 100% बताऊँगा।